Radio fly Welcome, welcome, welcome to episode 2 of the Tiny Tales podcast. Now, this episode is very, very special. You'll notice that this one is very different from the first episode because this episode is much, much bigger in scale. So, let me first share some numbers 30 pages of original script written over a period of 35 days, 7 unique voice actors. 9 recording sessions done in 3 different countries more than 8 hours of original raw audio recorded and over 120 unique sound effects now because the story is larger than life and keeping all the cinematic elements in mind the entire episode is binaural so what does this mean binaural means that you will hear different things in your left ear and right ear because of that, I request you to use headphones for the most immersive experience. If you are not using headphones, you should hit pause right now and go get them. Okay, now that you have your headphones in, let's calibrate them. You should be hearing this in your left ear and this in your right ear. One last thing before we go ahead, a word from our sponsor. This episode is brought to you by Olifan.com. Find t shirts inspired from your favorite books, TV shows, movies, and more on Olifan.com. Their shirts are 100% cotton and printed using eco friendly inks. You can support this show and get 30% off by checking out on Olifan.com with the coupon code TINY. That's O L Y F A N T.com, coupon code Tiny. Okay, ready? This is Bombay Blue. मुझे थोड़ी देर लग सकती है ये लोग कुछ चाय नाश्ता कर लेना शुक्रिया साहब विक्टोरिया मिल्स का ऑफिस यही है जी अंदर चले जाइए मेहरबानी बिक्रम बाबू क्या काम है कुछ जरूरी बात करनी है कपड़े को ऑर्डर देना है तो सामने मिस्टर मेहता से मिली है नहीं नहीं अभी वो बिजी हैं। शाम को क्लब जाते हैं वहाँ हाँ हाँ कपड़ा खरीदना है काफी सारा मैं उन्हीं से रेट फाइनल करूंगा कितना कपड़ा चाहिए जी आ, पचास पचास क्विंटल हाँ हाँ पचास क्विंटल लेकिन सिर्फ विक्रम बाबू मेरे साथ आइए सर ये पांच हजार किलो कपड़ा खरीदना चाहते हैं लेकिन कहते हैं ऑर्डर सिर्फ आपको ही देंगे आइए बैठिए मेहरबानी गीता छोटो से बोलो चाय ले आए और सुनो ये दरवाजा बंद कर दो आप ही हैं बिक्रम बाबू जी बिक्रम रॉय जी हाँ मैं ही हूँ और जानता हूं आप कपड़ा खरीदने नहीं आए आपको कैसे क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर के लिए परमिट लेना पड़ता है जो मुझे आपके हाथ में दिख नहीं रहा माफ कीजिएगा मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कह दिया कि मैं कोई बात नहीं चाय लेंगे मेहरबानी मेरी फीस चार सौ रुपए है ठीक है मैं दे दूंगा मेरे बारे में किसने बताया कॉलेज में आपका एक क्लासमेट था जमशेद मिस्त्री जिमी। जी वो मेरे यहाँ नौकरी करता है कुछ भी जानने से पहले मैं हमेशा दो सवाल पूछता हूँ अगर मुझे जवाब पसंद नहीं आते तो मैं केस नहीं लेता जी मंजूर है पहला सवाल आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए विक्रम बाबू पुलिस से भी ऊंचे लोग हैं जिन पर मुझे समझ गया दूसरा सवाल क्या आपकी जान को खतरा है जान को तो नहीं लेकिन मेरा नाम मेरा बिजनेस सब बर्बाद हो सकता है ठीक है बताइए अब बातों का सिलसिला चल ही पड़ा है तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ बिल्कुल ये विक्टोरिया मिल्स आप चलाते हैं बहुत लोगों को लगता है कि विक्टोरिया मिल्स मेरे पिताजी की थी और उनकी गद्दी पर मैं बैठूंगा लेकिन ऐसा नहीं है विक्टोरिया मिल्स मेरे चाचा की है पिताजी अपने छोटे भाई की कंपनी में नौकरी करते थे और यहां बैठकर कपड़े का ऑर्डर लेते थे अब तो बंबई में टेलीफोन आ गया है एक दो सालों में फैक्ट्री पर भी लग जाएगा फिर तो इस ऑफिस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा लोग सीधा फैक्ट्री पर टेलीफोन से ऑर्डर दे देंगे इसलिए मैंने साइड में यह काम मैं सब समझ गया विक्रम बाबू आपने बॉम्बे ब्लू का नाम सुना है जहाज है जी नहीं सफायर है नीलम बीस कैरेट बड़ा ही खूबसूरत एक बार करीब से देखो तो रोंगठे खड़े हो जाएं। एक तालिस में मिला था कश्मीर में एक चरवाहा अपनी भेड़ चरा रहा था तो उसे कुछ चमकीला दिखा उसने वो पत्थर अपनी बीवी को दिया और उसकी बीवी ने उसके बदले चार बर्तन खरीद लिए खैर महाराजा गुलाब सिंह को पता चला तो उन्होंने वो सफायर अमेरिका भेजा कटिंग के लिए जब वो वापस इंडिया आया तो जहाज पर गुलाब सिंह के दस आदमी थे उसकी हिफाजत के लिए कुछ सालों तक काफी धूम रही पश्चिम में अखबारों में भी छपा किसी ने ऐसा नीलम कभी देखा नहीं था गुलाब सिंह उसे अंगूठी में पहनते थे चौहत्तर में उनके परिवार ने वो अंगूठी थॉमस कार्टर को बीस हजार रुपए में बेच दी कार्टर अंग्रेज ऑफिसर था पिछहत्तर में उसने अपनी नौकरी छोड़ी और वो अंगूठी इंग्लैंड ले गया जहाँ उसकी कीमत लगी करीब तीन लाख रुपए, उसने बेचकर लंदन शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी खरीद ली पिछले साल ऑक्शन हुआ ऑक्शन वालों ने उसका नाम रखा बॉम्बे ब्लू वहाँ वो सफायर नौ लाख रुपए का बिका खरीदने वाले थे बॉम्बे के उस्तम जहांगीर मैं उनसे एक दो तो बार मिला हुआ हूं बेशक कॉटन के किंग हैं बॉम्बे में आठ मिल हैं सूरत में दो फैक्ट्री भी हैं पिछले साल वो मेरे पास आए मेरा नाम गोकुलदास मानिकचंद है सूरत में मेरा जौहरी का बिजनेस है सूरत में उनके और हमारे परिवार के काफ़ी पीढ़ियों से संबंध हैं उन्होंने मुझे अंगूठी रिसाइज करने के लिए दी एक डिनर पार्टी रखी गवर्नर साहब की भतीजी आई हुई थी जिसके जन्मदिन के लिए उन्होंने गवर्नर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जी माफ कीजिए कोकुलदास जी मैं यह केस नहीं ले सकता जब आपने बताया पुलिस के ऊपर तब आपने गवर्नर की बात नहीं की थी मैं चार सौ रुपए के लिए अपनी जान नहीं गवा सकता आप बाहर जाने का रास्ता जानते हैं नमस्ते अरे अरे मैं दो सौ रुपए आपको अभी देता हूं बस मेरी बात सुन लीजिए अगर आपको केस नहीं लेना हो तो पैसे रख लीजिएगा मैं चला जाऊंगा ये लीजिए ठीक है मेहरबानी तो मैं क्या बता रहा था जी पार्टी रस्तम जहांगीर बड़े आदमी हैं और उनकी पार्टीज हमेशा शानदार होती हैं बॉम्बे के सब बड़े बड़े लोग आते हैं बोलते रहिए, है, मैं सुन रहा हूँ जी सिगरेट लेंगे आपके लिए बनाऊं एक जी मैं तंबाकू से दूर रहता हूँ अच्छी आदत नहीं है लंदन में तो अब बनी बनाई सिगरेट बिक रही है मशीन से बनी हुई दुकानदार को पैसे दो और वो एक डब्बा बुरी आदत दे देगा राम राम क्या मैं ये खिड़की खोल सकता हूँ खोल लीजिए लेकिन मैं आपको बता दू ये खिड़की पिछली गली की तरफ खुलती है साथ ही में सितारा रेस्टोरेंट का किचन है आपको सिगरेट के धुएं से बेहतर फिश फ्राई की स्मेल लगती है तो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ जहांगीर साहब ने मुझे तार भेजा कि अंगूठी उन्हें इस पार्टी में पहननी ही है तो मैं थोड़ा जल्दी करूं। मैं सूरत से खुद अपनी हिफाजत में वो नीलम लेकर बंबई आया यहाँ आकर मैं उनके एस्टेट के पास में ही ठहरा मुझे एक डाक बंगला दिया गया इसमें तीन कमरे हैं एक ऊपर दो नीचे एक रसोईया महाराज हैं रुस्तम जहांगीर अपने नए काम को लेकर काफ़ी उत्साहित थे तो उन्होंने मुझसे भी पार्टी में आने को कहा मेरे लिए सब बहुत अजीब था मैं नहीं जानता था कि हिंदू मुसलमान पारसियों अंग्रेज ऐसे घुल मिल सकते हैं ऐसा एक अलग ही धर्म है पार्टी में सबकी नजर बॉम्बे ब्लू पर ही थी गवर्नर की भतीजी मार्गरेट का तो जैसे उस पर दिल ही आ गया जहांगीर साहब ने मेरी काफी तारीफ कर दी करीम अब्दुल्ला जिन्हें मसालों का, का बादशाह कहते हैं जी मसालों का बादशाह कहते हैं आप तो सब जानते ही हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं बॉम्बे ब्लू का रेप्लिका उनकी वाइफ के लिए बना सकता हूँ मार्गरेट ने भी साथ में हामी भरी कि यह बहुत अच्छा आइडिया है और वो भी एक रेप्लिका चाहेंगी उम्मीद है गवर्नर की भतीजी को आपने ना नहीं कहा होगा दरअसल मेरे कुछ बोलने से पहले ही जहांगीर साहब कहने लगे कि मणिकचंद जादूगर है और वो कुछ भी कर सकता है उन्होंने बाकियों से पूछा और सेठ जानकी दास ने भी रेप्लिका की फरमाइश कर दी फिर उन्होंने मुझे अलग से ले जाकर समझाया कि उन्हें अपनी नई फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन सब बड़े लोगों में से वो किसी को भी निराश नहीं कर सकते तो मुझे ये काम करना ही होगा कम इन सर इस पे आपका साइन चाहिए था आज क्या डेट है सर फिंथ अगस्त। पंद्रह तारीख है जी फिफ्टीन एट एटी फाइव माफ कीजिए तो आपने वो रेप्लिका बनाए शहर में बढ़िया है लड़कियां काम पे निकलती हैं जी बिल्कुल लड़के लड़कियां अब बराबर ही हैं क्या मैं जी जी जहांगीर साहब ने मुझे बॉम्बे ब्लू के साथ साउथ अफ्रीका भेज दिया वहां मैं और मेरा बेटा दो हफ्ते तक बॉम्बे ब्लू के साइज की जैसे सफाया ढूंढते रहे लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा फिर मुझे वहां एक अंग्रेज मिला जिसने दावा किया कि पेरिस में वो एक साइंटिस्ट को जानता है जो ऐसे रेप्लिका बना सकता है कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि असली कौन सा है और नकली कौन सा गोकुलदास जी अब आप मुझे कहेंगे पेरिस जाओ तो मेरी फीस चार सौ रुपये से थोड़ी बढ़ जाएगी नहीं नहीं आपको कहीं नहीं जाना मैं और मेरा बेटा पेरिस पहुंचे साउथ अफ्रीका से जो पता मिला था उसे ढूंढ कर वहाँ हम बर्नाड से मिले उसकी लेबोरेटरी छोटी थी लेकिन थी बहुत साफ उसने बॉम्बे ब्लू की कलर ग्रेडिंग की और साइज लिया इन सब कामों में मैं उसके साथ था नीलम मेरी नज़र के कभी बाहर नहीं गया पाँच दिनों में उसने पहला रेप्लिका मुझे पकड़ाया विक्रम बाबू ऐसी कमाल की कारीगरी मैंने पहले कभी नहीं देखी बीस दिन बाद तीन रेप्लिका और बॉम्बे ब्लू को लेकर हम वापस चल पड़े उसने मुझसे लगभग बीस हजार रुपये लिए रुस्तम जहांगीर बहुत खुश थे उनके हिसाब से काफी पैसा लगने वाला था दो महीने पहले मैं सूरत वापस आया और उन तीन रेप्लिका को तराशने लगा और बॉम्बे ब्लू जी वो मेरे पास ही था मेरे कारीगर दिन भर रेप्लिका पर काम करते थे और रात को मुझे सौंप देते थे मैं उनकी बॉम्बे ब्लू से तुलना करता था और कॉपी में लिख देता था कि कौन से पत्थर पर कहाँ और सफाई चाहिए ताकि अगले दिन फिर से काम हो सके एक महीने में, में मेरे पास चार एक जैसे सफ़ायर थे और सारे एक से एक खूबसूरत एक से एक चमकीले मैंने चार के चार अपने बेटे के सामने रखे और वो भी असली नीलम पहचान नहीं पाया लेकिन आप पहचान सकते हैं मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता बिक्रम बाबू लेकिन हां दूर से तो नहीं लेकिन करीब से देखकर मैं एकदम असली को पहचान सकता हूं करीब से लगता है आप मेरी मुसीबत समझ गए हैं? लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए पिछले हफ्ते मैं बंबई वापस आ गया जहांगीर साहब की अंगूठी के अलावा मेरे पास था एक पेंडेंट एक टाइपिन और एक ब्रेसलेट एक और पार्टी दी गई दूसरी पार्टी कब थी जी परसों जहांगीर साहब ने सबको उनके तोहफे दिए मुझे सब जादू का कहने लगे और रुस्तम जहांगीर की अंगूठी जी उन्होंने मुझसे कहा कि वो अब सोने की नहीं चांदी की अंगूठी चाहते हैं इसलिए वो मेरे पास ही थी अमीर लोग बड़ी जल्दी जल्दी अपना ख्याल बदलते हैं बिल्कुल ठीक पार्टी में विस्की शैंपेन सब खुली और मुझे भी पिलाई गई मैं शराब से दूर रहता हूं अच्छी आदत नहीं है आप तो छुटकी ले रहे हैं मैं भी नहीं पीता बिक्रम बाबू लेकिन मैंने कभी ऐसी दावत देखी नहीं थी सब मेरे साथ वीआईपी जैसा बर्ताव कर रहे थे ये सब बड़े बड़े लोग मेरे साथ कर हाथ मिला रहे थे मुझे थैंक यू कह रहे थे खैर शाम हुई पार्टी में सब लोग बिजनेस की बातें करने लगे और मैं डाक बंगले में वापस आ गया जब आप वापस आए तो हीरा आपके साथ था हीरा नहीं नीलम जी हाँ मैंने उसे कपड़े में लपेटा और ड्रॉ में रख के ड्रॉ की चाबी को अपने तकिए के नीचे रख लिया डाक बंगले के अंदर से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली फिर मैंने अपने बेटे को एक कंबल दिया और मेरे रूम के दरवाजे के ठीक बाहर चारपाई लगाने को बोला ताकि कोई आपके कमरे में आने की कोशिश करे तो आपका बेटा उठ जाए जी हाँ लेकिन आपने पी रखी थी आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने सारे खिड़की और दरवाजे विक्रम बाबू मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैंने पी रखी थी और मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है लेकिन जब मैं सुबह उठा तो नीलम बदल चुका था बॉम्बे ब्लू की जगह ड्रॉर में रेप्लिका था ये कल सुबह की बात है जी कल सुबह पहले मुझे लगा कि अभी भी थोड़ा नशा है लेकिन विक्रम बाबू ये नीलम असली बॉम्बे ब्लू नहीं है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह रेप्लिका है बर्नाड का रेप्लिका क्या मैं जी जी बिल्कुल ये लीजिए ऐसे किसी रत्न को उसके खांचे से चाहे वो अंगूठी हो या कुछ भी खांचे से निकालने या लगाने में कितना वक्त लगता है निकालना या जड़ना कोई बड़ा काम नहीं है कोई भी छोटा मोटा सुनार कर सकता है पंद्रह बीस मिनट आप श्योर हैं कि सूरत से जब आप चले थे तो ऐसा नहीं हो सकता विक्रम बाबू बॉम्बे ब्लू मेरे पास हमेशा रहता था उसे उसकी अंगूठी से मैंने कभी नहीं निकाला जब मैं बंबई आया तो वो उसी अंगूठी में था जो मैंने जहांगीर साहब को दी इस बात में कोई शक नहीं है अगर मैं गलत नहीं हूं तो ना तो आप रुस्तम जहांगीर को बता सकते हैं कि रातों रात उनका नीलम बेशकीमती से बेकार हो गया और ना ही आप उनके किसी वीआईपी गेस्ट पर कोई इल्जाम लगा सकते हैं इनमें से कुछ भी करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल ठीक आप मेरी मजबूरी समझते हैं काफी नाजुक बात है ठीक है अब आप वापस चले जाइए ये अंगूठी मैं अभी अपने पास रख रहा हूं शाम को आऊंगा तब मुझसे ले लीजिएगा आप और आपके बेटे से कुछ सवाल करने हैं ठीक है अच्छा मैं चलता हूं मेहरबानी वैसे मेरा डाक बंगला जहांगीर साहब के एस्टेट से कुछ सौ मीटर ही दूर है बाहर जाते हुए गीता को अंदर भेज दीजिएगा मुझे बचा लीजिए बिक्रम बाबू मुझे आपसे बहुत उम्मीद है नमस्ते सर केस लिया क्या हम्म। बहुत टाइम बाद नया केस लिया है सर काफी इंटरेस्टिंग मामला है तुम थिएटर करना तो नहीं बोली आपको याद है जब सावन थिएटर बंद हुआ था और मैं उसके बाहर बैठकर रो रही थी तब आपने आकर मुझे कुछ कहा था क्या आपने कहा था मेरे पास नौकरी करोगी सैलरी थिएटर से ज्यादा होगी और एक्टिंग थिएटर से बेहतर <laughs> चलो अभी वापस सैलरी वाले काम पर लगो एक्टिंग का मैं सब बताऊंगा आइए आइए बिक्रम बाबू ये मेरा बेटा है हरिलाल नमस्कार साहब मैं कोई साहब वाहब नहीं हूं हरिलाल तुम तो मेरी ही उम्र के लगते हो मुझे इतना बड़ा ना बनाओ अंदर आ जाइए कुछ लेंगे समोसे बनवाए गोकुलदास जी मुझे अपना कमरा दिखाइए मेरा कमरा ऊपर है आ जाइए आपका रसोईया नहीं दिखा मेरा विक्रम बाबू जहांगीर साहब का यहाँ जो भी आकर रुकता है उसके लिए खाना पीना चाय नाश्ता सब वही देखता है सुबह सात बजे आता है और शाम पांच बजे चला जाता है आप कहे तो बुलवा दूं। उसको गए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ है नहीं रहने दीजिए क्या वो जानता है कि नीलम नहीं नहीं मैंने उसे कुछ नहीं बताया हो सकता है पता लगने पर वो जहांगीर साहब को खबर दे दे हम्म परसों रात जब आप इस कमरे में आए थे तब जो भी हुआ मुझे करके दिखाइए मैं कमरे में आया मैंने अंगूठी इस दराज में रखी दराज बंद करी चाबी घुमाई चाबी निकाली फिर मैं इधर बिस्तर पर आकर लेट गया और चाबी ऐसे सरहाने के नीचे रख ली उसके बाद आपको कुछ याद नहीं जी नहीं सुबह छः बजे मेरा बेटा दरवाज़ा खटका रहा था बाबा बाबा कह रहा था मेरी नींद खुली मैंने कहा मैं उठ गया हूँ हरिलाल मैंने सिरहाने के नीचे से चाबी निकाली दरावाज़ खोली अंगूठी उठाई तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है पहले मुझे लगा कि मुझे धोखा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखा तो मैं समझ गया कि वो असली नहीं है मैंने दरवाजा खोलकर हरिलाल को अंदर बुलाया एक सेकेंड हरिलाल परसों सुबह से अपने दिन के बारे में बताओ बिक्रम बाबू हम रेल से बंबई आए फिर स्टेशन से टांगा करा और दस बजे के आसपास कपड़े निकाल के रखो मैं नहाने जा रहा हूँ चारों नीलम गोकुलदास जी के पास थे जी नहीं सिर्फ असली वाला उन्होंने अंगूठी अपने गले में पहनी हुई थी अपने कुर्ते के अंदर बाकी तीन मेरे पास इस बक्से में थे गुसलखाना कहा है जी नीचे गोकुलदास जी आपने अंदर जाने से पहले बॉम्बे ब्लू अपने गले से उतारा जी नहीं मैं उसे पहन कर ही नहा लिया अब जहांगीर साहब से मत कहिएगा नहाकर बाबा ने नए कपड़े पहने अंगूठी को अपने गले की चेन से निकाला साफ किया और इस पोटली में डाल दिया और फिर करीब बारह बजे पोटली और बक्सा लेकर पार्टी के लिए चल दिए पार्टी में आपने सबको उनके नीलम दिए जी लेकिन रुस्तम जहांगीर ने आपको अंगूठी वापस कर दी उन्होंने तो छुई भी नहीं बस कहा कि वो देखना चाहते हैं कि चांदी पर कैसा लगेगा तो मैंने हरिलाल तुम्हारे बाबा यहाँ वापस कितने बजे आए जी शाम सात आठ बजे बारह से सात तुमने क्या किया ज्वाला प्रसाद हमारा रसोईया परसों छुट्टी पे था तो मैं नहा धोकर ताला लगाकर मार्केट चल दिया मैंने तो इसे कहा था पार्टी में चल पड़े लेकिन ये शर्माता है मार्केट में तुमने क्या किया जी मैंने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ चीजें खरीदी दुकानदारों को सूरत से लाए हुए सैंपल दिखाए खाना खाया और पांच बजे के आसपास पास में वापिस आ गया पाँच से सात तुम यहां अकेले थे जी बस छे बजे जहांगीर साहब का एक नौकर रात के लिए खाना लाया था मुझे उस नौकर के बारे में बताओ होगा पंद्रह साल का मैं यहीं बैठ करके एक किताब पढ़ रहा था तभी मुझे बाहर से एक अजीब सी आवाज आई मैं बाहर आया तो देखा उसने सारा खाना गिरा दिया था उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगा किसी को ना बताऊं वरना उसकी नौकरी चली जाएगी फिर वो भाग के वापस गया और पांच सात मिनट में सब कुछ दोबारा परोस कर ले आया तुम्हारे बाबा ने कर तुम्हें उनके कमरे के बाहर चार नामुमकिन ना था जब इन्होंने सुबह बताया कि नीलम नकली है तो तुमने क्या कहा मैंने इनसे कहा घबराए नहीं ज्वाला प्रसाद आता ही होगा उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए थोड़ा धीरज से काम ले ज्वाला प्रसाद सात बजे आया जी नहीं कल वो लेट हो गया था आज सुबह सात बजे सफाई करने एक औरत जरूर आई थी मैंने उससे कहा कि मैं अपने कमरे में अकेले रहना चाहता हूँ तो कोई अंदर ना आए आपने पहले उसे कभी देखा था जहांगीर साहब के यहाँ बहुत से नौकर चाकर रहे हैं बिक्रम बाबू हो सकता है देखा देखाओं सफाई के बाद मैंने हरी को नाश्ता लाने बाहर भेज दिया और मैं हाथ मुँह धोने नीचे आ गया इतने में ज्वाला प्रसाद भी आ गया कल आपके कमरे को छोड़कर बाकी पूरे डाक बंगले में सफाई हुई जी और आज आज भी सफाई हुई लेकिन कोई मेरे कमरे के अंदर नहीं आया मेरे आपके और हरिलाल के अलावा आपकी जिमी से क... मेरा मतलब है जमशेद से कब बात हुई मेरी नहीं हरिलाल की हुई थी हरिलाल बताओ जी कल शाम में जमशेद से मिला वो मुंबई में हमारा सेल्समैन है मैंने उससे कहा कि एक पहेली है मेरा कुछ कीमती चोरी हो गया है और मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता तो उसने आपके बारे बताया हम्म मेरे पास आज बारह बजे आए कल ही क्यों नहीं आ, बाबा कल बहुत डरे हुए थे बिक्रम बाबू मैंने उनको समझाया कि हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा और उन्हें आपसे मिल लेना चाहिए कल और आज ज्वाला प्रसाद के बर्ताव में कुछ अलग दिखा ऐसा तो कुछ खास नहीं वो वैसे भी कम ही बोलता है और अपने में रहता है हरिलाल जी मुझे भी ऐसा कुछ खास नहीं लगा कोई लालटेन या मोमबत्ती जी जी बिल्कुल हरी लाल थैंक यू बिक्रम बाबू कर रहे हैं काम करने दो हम्म <laughs> कुछ मिला गया बिक्रम बाबू शायद ये खिड़की खोलिए जी बंद कीजिए फिर से खोलिए हम्म, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं गोकुलदास जी ज़रा खिड़की से नीचे झांकी और बताइए वो जमीन से कितनी ऊपर होगी जी करीब करीब बीस फीट। और कितनी बड़ी मेरा अंदाज़ा है डेढ़ फीट बाय तीन फीट ठीक कह रहे हैं लेकिन बीच में जो ये लोहे की रॉड है मेरा तो सर भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा है आप जरूर मजाक कर रहे हैं है? आपका मतलब है कि इस खिड़की से कोई रात को, को कूद कर अंदर आया और फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा यह डाक बंगला काफी पुराना है बिक्रम बाबू कहीं कोई भूत प्रेत किस समाने की बातें कर रहे हैं गोकुलदास जी उन्नीसवी सदी चल रही है मेरे साथ नीचे आइए तुम नहीं हरिलाल तुम खिड़की के पास खड़े रहो बिक्रम बाबू खिड़की से कैसे कोई ये लीजिए आपकी अंगूठी मेहरबानी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल हरीलाल की शादी हो चुकी है जी नहीं क्या उसे कभी पैसों की कमी या फिर आ... मैं समझा नहीं राम 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 आपको लगता है हरीलाल नहीं नहीं विक्रम बाबू मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है हरिलाल, जी मुझे बताओ क्या ये आवाज सुन पा रहे हो <coughs> जी सुन रहा ठीक है गोकुलदास जी अपना पैर हटाइए, यहां रख लू आपका कुछ गिर गया है क्या आइए, आपको झूठ बोलने से कोई परहेज तो नहीं आ... रुस्तम जहांगीर को एक और पार्टी देनी होगी आप कैसी बातें कर रहे हैं पार्टी होगी उदयपुर की महारानी की छोटी बहन रुक्मणी देवी के लिए कौन रुक्मणी देवी वो और उनकी बहन उदयपुर की महारानी आपसे गहने बनवाती हैं रुस्तम जहांगीर से कहिए रुक्मणी देवी बंबई आ रही हैं और वो सब खास लोगों से मिलना चाहती हैं तो एक बढ़िया पार्टी रखें वो अपना फोटोग्राफर साथ ला रही हैं ये सबको जरूर मालूम पड़ना चाहिए और ये भी कि नीला रंग उन्हें बहुत पसंद है और गोकुलदास जी मुझे एक खास कैमरा बनवाना है एक शानदार घोड़ा गाड़ी किराए पर लेनी है इन सब का मेरी फीस के ऊपर लगेगा मैं दे दूंगा क्या ये रुकमणी देवी आपके ऑफिस में काम करने वाली गीता होंगी गोकुलदास जी आप सब कुछ काफी जल्दी समझने लग गए हैं लगता है आपको शहर की हवा लग गई है कल गीता आपको क्रॉफर्ड मार्केट में ग्यारह बजे मिलेगी उसे बढ़िया साड़ी और गहने खरीद दीजिएगा जैसे एक राजकुमारी पहनती हो असली की कोई जरूरत नहीं है बस महंगे लगने चाहिए मैं अब आपसे पार्टी में ही मिलूंगा वो सब तो ठीक है विक्रम बाबू पर जहांगीर साहब कैसे यकीन करेंगे कि <laughs> आपने ईस्ट इंडिया डेली का नाम सुना है जी नहीं क्योंकि ऐसा कोई अखबार है ही नहीं कुछ साल पहले एक न्यूज़पेपर छपता था भारतवर्ष जो अब बंद हो चुका है मैंने उसकी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली थी कल गीता आपको ईस्ट इंडिया डेली की 16 अगस्त वाली कॉपी देगी उसे संभाल के रख लीजिएगा असली का अखबार नहीं है लेकिन लगेगा बिल्कुल असली उसमें छपा होगा कि बम्बई में रुकमणी देवी आई हैं। रुस्तम जहांगीर को दिखा दीजिएगा मेरा अनुभव है कि छपी हुई बातों पर लोग सवाल नहीं उठाते जी ठीक है राम राम। विक्रम बाबू जब आप लोगों की वो छः घोड़ों वाली बग्गी गेट की तरफ आ रही थी तब पार्टी में सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो वैसे राजपुताना लिबास में काफ़ी जच रहे हैं आप <laughs> गीता बेटी अकेली उन सब लोगों के बीच में वो अपने आप को संभाल लेगी आप पीछे से बाहर जाइए वहाँ मेरा फोटोग्राफर अपने कैमरे के साथ खड़ा है कैमरे का काला कपड़ा उठाएंगे तो अंदर एक छोटी सी सीट है उस पर बैठ जाइएगा एक बार मुझे दुआ समझाएंगे कैमरा के लेंस के अलावा एक और लेंस है जो दूरबीन जैसा काम करता है रुकमणी देवी एक एक करके सबके साथ फोटोग्राफ खिंचायेंगी आप पहचान लीजिएगा कौन सा नीलम असली है ठीक है आए हैं आपका चोर इसी छत के नीचे है खम्मा घड़ी सर और कितनी देर बस हाथ जोड़कर खम्मा घड़ी करती रहो To meet you, Your कम्मा करीम अब्दुल्ला। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है आपकी बहन कमाल का काम कर रही है कम्मा मुझे देखकर अपने किसी नाटक की लाइन बोलो क्षमा कीजिए महाराज हम बनावट नहीं कर सकते <laughs> Her Royal Highness is asking if you plan to stay in Bombay after we get a new governor next month. Oh no, no, no! We're going back to jolly old England. It's too hot here for my taste. <laughs> oh, the camera is here. I want one with just you and me, Your Highness. I'll see you there. Sorry, sir. I didn't know. You said जाओ सब लोग तुम्हारे साथ फोटोग्राफ का इंतजार कर रहे हैं बाहर आ जाइए। जरा हाथ देना बिक्रम बाबू थोड़ा मुश्किल है इसमें से मेहरबानी तीस साल पहले तो मैं भागकर पहाड़ी चढ़ जाता था बॉम्बे ब्लू दिखा मुझे अंदर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और जो कुछ दिख रहा था वो भी सब उल्टा पुल्टा ओह हाँ <laughs> मैं आपको बताना भूल गया कि सब उल्टा दिखेगा लेकिन मेरा अनुमान है कि पांचवी फोटोग्राफ जिसके साथ ली गई उसने असली का नीलम पहना हुआ था अब वो गले में पहना था या हाथ में इसमें मुझे गोकुलदास जी आप कल ग्यारह बजे मेरे ऑफिस आ जाइएगा बॉम्बे ब्लू आपको मिल जाएगा पर आप कैसे सब मुझ पर छोड़ दीजिए और पार्टी में वापस चले जाइए जी राम राम सर गोकुल जी और उनके बेटे हरिलाल राम राम विक्रम बाबू मैं रात भर सो नहीं पाया काफी? गीता दरवाजा ये लीजिए मेरा बिल आपकी फीस तो मैं दे ही दूंगा लेकिन नीलम ये लीजिए आपका बॉम्बे ब्लू लगता तो असली है इसमें कोई शक नहीं है गोकुलदास जी आपके हाथ में जो पेंडेंट है वो ही असली बॉम्बे ब्लू है मेहरबानी मेहरबानी भगवान आपको लंबी उम्र दे बिक्रम बाबू और गीता बेटी तुम्हें भी तो अब बताइए क्या बताऊं ये वो समय है जब आप बताएंगे कि आपने चोर को कैसे पकड़ा है ना <laughs> पेंडेंट तो मैंने ये उस जहाज का मैनिफेस्ट है जिससे आप दोनों साउथ अफ्रीका गए थे आप लोग कैबिन नंबर चौंतीस में थे स्वीट छः के गेस्ट का नाम पढ़िए जी मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती हरी लाल कार्टर थॉमस वो आपका पीछा कर रहा था साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज आपको मिला वो थॉमस कार्टर ही था फिर उसने आपको पेरिस भेजा बर्नार्ड को वो पहले से जानता था लेकिन उसे चोरी ही करनी थी तो वो जहाज में हमारे कैबिन में घुस सकता था अगर मेरे सर पे बंदूक लगाता या गर्दन पे चाकू रखता तो बाबा एकदम उसे अंगूठी दे देते दे हरिलाल तुम ठीक कह रहे हो हरिलाल लेकिन दिन दहाड़े तुम्हारे सामने ऐसे चोरी करने का मतलब था और जहांगीर को चुनौती देना रुस्तम जहांगीर काफी अंग्रेज अफसरों को जानते हैं बॉम्बे ब्लू के लिए वो जमीन आसमान एक कर सकते थे इसलिए उसने छुप के नीलम बदला ताकि आप लोगों को मालूम ही ना चले कि चोरी कब हुई और किसने की और सारा इल्जाम गोकुलदास जी आप पर आ जाए राम राम हर हाइनस वुड लाइक टू सी यू मैडम इन प्राइवेट सर राइट दिस वे सी मी योर थॉमस कार्टर उस दूसरी पार्टी में था और रसोईया ज्वाला प्रसाद थॉमस कार्टर की जेब में वो क्या रुसम जहांगीर के सारे नौकर उनमें से एक बार बार आपको लाकर शराब भी पिला रहा था ज्वाला प्रसाद उस दिन छुट्टी पर था क्योंकि कार्टर ने उसे भेजा था एक सोनार को लाने कार्टर चाहता था कि उस रात नीलम रुस्तम जहांगीर के पास से बदला जाए अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो उसे असली का बॉम्बे ब्लू भी मिल जाता और रुस्तम जहांगीर को शायद कभी मालूम भी ना पड़ता लेकिन जब कार्टर ने देखा कि असली का नीलम गोकुलदास जी आपके पास ही रह गया है तब उसने अपनी चाल बदली You wanted to see me, Your Highness. What is this? What is is this? this? तुम डाक बंगले पर अकेले थे और एक नौकर शाम का खाना लाया था जी तुमने कहा था कि उस लड़के ने दरवाजे के बाहर खाना गिरा दिया था यह कोई इत्तफाक नहीं था उसने यह सब जान के किया था ताकि इस गड़बड़ी में तुम्हारा ध्यान भटक जाए और ज्वाला प्रसाद चुपके से डाक बंगले के अंदर घुस जाए उस रात ज्वाला प्रसाद डाक बंगले के अंदर था जी हाँ गोकुलदास जी आपके कमरे में आपके पलंग के ठीक नीचे राम राम आपने मुझसे कहा था कि दो तीन दिन से कमरे की सफाई नहीं हुई है फर्श पर मिट्टी थी लेकिन जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो वहां सफाई थी जैसे कोई लेट कर अंदर भार हुआ हो उस रात करीब दो तीन बजे थॉमस कार्टर आपकी खिड़की के नीचे आया और उसने ज्वाला प्रसाद को इशारा किया शायद किसी छोटे मोटे जानवर की आवाज निकाली होगी जिसे कोई नींद में भी नजरअंदाज कर देता है ज्वाला प्रसाद ने आपके के नीचे से चाबी निकाली दराज खोली और अंगूठी धागे में बांध नीचे लटका दी थॉमस कार्टर ने पेंडेंट और अंगूठी के नीलम आपस में बदले ये आप कैसे जानते हैं आपने ध्यान नहीं दिया गोकुलदास जी लेकिन अंगूठी पर थोड़ी सी मोम गिरी हुई थी खिड़की के नीचे मुझे जमीन पर भी मोम गिरी हुई दिखी कार्टर का सुनार नीचे मोमबत्ती से काम कर रहा था काम होने के बाद उसने अंगूठी वापस धागे में बांधी और ज्वाला प्रसाद ने अंगूठी ऊपर खींच ली ज्वाला ने अंगूठी ऊपर खींचकर दराज में रखी फिर चाबी आपके तकिए की और खुद आपके पलंग के नीचे आप कह रहे हैं जब मैं सुबह उठा तो हम सुबह पलंग के नीचे देखते तो ज्वाला प्रसाद मिलता जी हाँ लेकिन आपने इतने सालों में सुबह उठकर कितनी बार अपने पलंग के नीचे देखा है मैं नहा के बाहर आया तो वो रसोई में सब्जी काट रहा था मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं जब हरिलाल बाजार नाश्ता लेने गया और आप नहाने तो वह पलंग के नीचे से निकल आया राम राम लेकिन आपको ये पेंडेंट गोकुलदास जी जो खेल हमने कल खेला वो पहले कोई और खेल चुका है राइट दिस वे You wanted to see me, Your Highness. What is this? What is this? Open this door at once. I demand that you open this door right now. We know who you are Margaret Carter. Carter. What is this? And we know that that is the real Sapphire. रुक्मणी देवी दूसरी नकली गैस थी जिनके लिए रुस्तम जहांगीर ने पार्टी रखी दूसरी कल पार्टी में मैंने मार्गरेट से पूछा कि अगले महीने बंबई में नया गवर्नर आ रहा है क्या वो शहर में ही रहेगी या वापस चली जाएगी तो उसने कहा वो वापस जा रही है गवर्नर ब्राउन अप्रैल में ही गवर्नर बने हैं अगले महीने कोई नया गवर्नर नहीं आ रहा अगर वो सच में गवर्नर की भतीजी होती तो उसे यह पता होता मैं तभी तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसके बाद आपने कैमरे के अंदर से उसे असली का नीलम पहने हुए भी देख लिया कल जो पांचवी फोटोग्राफ वो मार्गरेट थी जी गोकुलदास जी मार्गरेट गवर्नर की भतीजी नहीं है वो थॉमस कार्टर की बेटी है ऑक्शन के बाद थॉमस कार्टर नीलम के पीछे पीछे बंबई आ गया और अपनी बेटी को साथ ले आया किसी तरह रुस्तम जहांगीर को यह भरोसा दिलवा दिया कि मार्गरेट कार्टर मार्गरेट ब्राउन है गवर्नर ब्राउन की भतीजी जैसा कि आपने देखा रुस्तम जहांगीर को बहलाना काफी आसान है उन्हें बड़ी चीजें और बड़े लोग दोनों का ही शौक है पहली पार्टी में जब रेप्रिका की बात हुई तो मार्गरेट भी उतावली हो गई उसने वापस जाकर अपने पिता थॉमस कार्टर को यह बात कही और वो आपके पीछे पीछे साउथ अफ्रीका पहुंच गया पर यह सब उसने थॉमस कार्टर की सारी प्लानिंग ठीक जा रही थी किसी को उस पर शक नहीं होता लेकिन जब रुस्तम जहांगीर ने मार्गरेट को पार्टी के लिए बुलाया और कहा कि उदयपुर की महारानी की बहन के साथ फोटोग्राफ ली जाएगी तब उससे रहा नहीं गया उसने सोचा लंडन वापस जाने से पहले एक बार एक राजकुमारी से भी मिल लिया जाए यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी हमने मार्गरेट कार्टर से कहा कि वह पेंडेंट हमें दे दे वरना हम उसकी पोल खोल देंगे उसने सब कुछ कबूल कर लिया लेकिन वो इतनी भी भोली नहीं है उसने कहा कि अगर हमने उसकी पोल खोली तो वो हमारी पोल खोल देगी और रुस्तम जहांगीर का भरोसा गोकुलदास जी से हमेशा के लिए उठ जाएगा मैं जानता था वो कुछ ऐसा कहेगी इसलिए हमने एक डील कर ली पेंडेंट के बदले उसे पाँच लाख रुपये दे दिए अब क्या बोल रहे हैं घबराइए नहीं गोकुलदास जी आपको और पैसे नहीं देने याद है मैंने कहा था मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी है बस ऐसा समझ लीजिए कि वो अखबारों के अलावा और भी बहुत कुछ छाप लेती है चोर से चोरी मान गए बिक्रम बाबू ये लीजिए आपकी फीस अच्छा हम चलते हैं सूरत के लिए रेल पकड़नी है राम राम नमस्ते सर आपको डर नहीं लग रहा कि कहीं थॉमस और मार्गरेट कार्टर नकली नोट लेके पुलिस के पास पहुंच गए तो चोर और बहरूपिया पुलिस के पास नहीं जाते गीता वो अब तक समझ गए होंगे कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है और वो शायद बंबई से दुम दबाकर भाग रहे होंगे <laughs> शायद नहीं सर ये देखिए आज सुबह में पोर्ट ऑफिस से क्या लाई कार्टर थॉमस कार्टर मार्गरेट बोर्डिंग वेसल टू केप टाउन एट थ्री फोर्टी फाइव पी एम सर वो महंगी साड़ी और आपकी सिखाई इंग्लिश काम आ गई सर वो जो गहने गोकुलदास no, में से तुम्हारा हिस्सा थैंक यू सर थैंक यू सो मच तुम जानती हो ना बाहर ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए जी सर जी सर चलो जाओ कपड़ा बेचो जब तक अगला केस नहीं आता बॉम्बे ब्लू रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय प्रतीक अरोड़ा विद अनुराग अवस्थी एज गोकुलदास मानिकचंद अमितोज सिंह एज हरिलाल मानिकचंद लॉरेन क्लेयर एज मार्गरेट प्रेरणा जैन एज गीता एंड प्रतीक अरोड़ा एज बिक्रम रॉय additional voices by charanjit singh malik and stephen penny. editing and sound design by Prateek arora. tiny tales created by Prateek arora. i have been working on this episode for around two and a half months now, on and off. so i hope you find it worth the wait. if you like this episode, please share and subscribe. if you are listening on youtube, you can subscribe to the radio channel. if you are on itunes, you can, i don't know, maybe. Leave us a five star review just an idea. Special shout out to all the listeners on the Headphone app. Headphone uh, spelled with an F is a podcast app that features Indian podcasts and it's available on the Play Store for Android devices. They are not paying me anything to say this. I really like their app and the small community we have over there. You can write to me at at in You can also message me on Twitter. My handle is at the rate Pratik Arora. P R A T I K A R O R A. Or you can tweet at the Radiofly account. Just search for Radiofly. Well, that's it from me. Until next time, goodbye.